फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर डे अनदर वीडियो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डोमिनार 250 का। ये हमारे सामने ओनर है अविनाश। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गड्ढा क्षेत्र से। ओ, गाड़ी का प्राइस कितना पड़ा? 1,96,000। तो अभी चलाने में कैसा लग रहा है भाई? एकदम मस्त। ओ, कितना सीसी का है? 250 सीसी का। और BHP कितना निकालता है? यही कोई 27 ना। अभी तक चलाने में कैसा फील हो रहा है भाई? बेटर फील हो रहा है भाई। और भी अच्छा है। और ऑफ रोड भी। ऑफ रोड कैपेबिलिटी है इसमें? या अभी तक किए हुए हैं कि नहीं? एक भी बार ये थोड़ा समझ कीजिए, कितना किलोमीटर चला है गाड़ी? ज़्यादा नहीं, 25-26-27-28 चला। बस 26-27-28 2500। अच्छा, दिख पा रहे 2598 किलोमीटर है ना अभी। मतलब आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड है या नहीं? पूरा सेटिस्फाई है। और मतलब जब आप लेने गए थे उस समय इस कलर में वेरिएंट था एक भी कि नहीं? नहीं नहीं था, एक ही था। एक ही कलर था, एक ही पीस। तो अगर मान लीजिए ब्लैक कलर रहता, मेड ब्लैक रहता, तो आप लेते? मेड ब्लैक ही लेते। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप तो जल्दबाजी में लिए ये बाइक। हाँ हाँ, जो मिल जाए, जो मिला वो ले लिए। मतलब हार्ड कैश लिए या फिर इंस्टॉलमेंट में? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना किए थे? 65। कितना? 65,000। और मंथली कितना देते हैं? वही 5,076। अच्छा, तो डोमिनार 400 क्यों नहीं लिए वो? अरे घर में थोड़ा सा ये बोला था, ज़्यादा से सीखा। अच्छा, इसका तो डबल एग्जॉस्ट दिया हुआ ना। आवाज़ सुना है एक बार एग्जॉस्ट का? क्या हुआ? न्यूट्रल करना पड़ेगा दो। अच्छा, सेंसर लगा हुआ ना बोला मैं। बहुत ही खतरनाक साउंड है। तो रामगढ़ से ही खरीदे ना बाइक? क्या यहाँ वोल्केन बजाज? वोल्केन बजाज। और हेलमेट कितना का पड़ा? एक्सोर कंपनी का है ना? 4100 का हेलमेट। तो बहुत ही मस्त क्वालिटी है इसका, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है ना। बाइक के हिसाब से तो सूट खा रहा हेलमेट भी। और क्या क्या इसमें दिया हुआ है? मतलब इसमें बैटरी इंजनेशन का ना, इसमें टैंक वाला में, और ABS भी यही शो करता है, और फ्यूल वाला मीटर यहाँ पे करता है ना। अच्छा, गाड़ी को लिए हुए कितना दिन हो गया? करीबन 5 मंथ। 5 मंथ? 5 मंथ में 2500 चला दिए ना। और सर्विसिंग कितना हुआ? एक सर्विसिंग। कौन वाला? 500 वाला? नहीं, 1000। 1000, फिर उसके बाद 5000, सीधा 5000। और बाइक में तो 500 होता है, उसके बाद फिर होता है 2000। मतलब 1000 के बाद सीधा 5000 ना। अच्छा, मतलब ये तो फोर व्हीलर जैसा, फोर व्हीलर का 1000 के बाद 10000 होता है। रेडी वाटर इंजन है ना, और हॉर्न एक ही दिया है, दिया हुआ है ना। मतलब जो इसमें कूलेंट है वो मतलब ठंडा होने में हेल्प करता है तुरंत या नहीं? पाँच मिनट के अंदर। सुनते इंजन भी तो बहुत जल्दी हीट हो जाता ना इसका। अच्छा, ये वाला पिछला डिस्क ब्रेक वाला का ना वाइल। और ब्रेकिंग कैसा है बाइक का? स्टेबिलिटी दोनों ABS है, डबल चैनल ABS है ना, मतलब कंट्रोल हो जाता है? हाँ, हो जाता है। बाइक कितना गंदा रखे, धुलते है क्या? अरे बरसात का सीजन है, ठंड होता है। हाँ, वो तो है। मतलब इसमें ड्यूक जैसा है ना सस्पेंशन भी, और इधर साइड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड है आगे वाला डिस्क ब्रेक। ये मोबिल व्हील फेंक रहा है क्या इंजन से? ये हल्का? हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा ना, अभी थोड़ा थोड़ा नया में फेंकता सुनते हैं। बाइक का वेट कितना है? 180 kg ना। ये तो भीड़ भाड़ में बहुत दिक्कत होता होगा पीछे करने में। बहुत दिक्कत होता है, लेकिन रोड का प्रेजेंस तो अच्छा रहता होगा है ना, स्टेबिलिटी पूरा रोड पकड़ के चलता होगा। इसका स्टैंड
देखिए स्टैंड बहुत ही मस्त है, आज तक ऐसा कोई निंजा में आता है ऐसा वाला स्टैंड, उसके बाद इसमें देखे है ना। 250 सीसी है या मतलब टोटल है या फिर 249? 247 है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें डोमिनार में देखिए टायर साइज है 130/17 mg 62 p, और आगे का टायर है MRF का ही दिया हुआ है नायलोन का 100/80/70। इसमें हॉर्न तो बस एक ही दिया हुआ है, इसका आगे का हेडलाइट बहुत प्यारा लगता है। अच्छा नाइट में कैसा व्यू है इसका? एक नंबर है भाई, एक नंबर व्यू है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं आपसे, ठीक है? चलिए चलो भाई भाई।